दुग्ध पालन के लिए भैंस गाय का वो नहीं करवा रहे हैं क्या? इसने हम मकान उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में इनको अच्छा दिया। आज मैं यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ और वह है बलरामपुर जनपद में। यहाँ पर बलरामपुर और श्रावस्ती ये दो जनपद ऐसे हैं जिसमें भारत नेपाल सीमा पर थारू बस्तियां काफी बड़ी मात्रा में। यहाँ पर एक थारू बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की दिशा में एक आज यहाँ शिलान्यास किया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपने CSR से इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई है और यह छात्रावास यहाँ पर बन रहेगा। तो यहाँ पे यद्यपि अभी हम लोग देवीपाटन मंदिर परिसर में ही उन बच्चों को रख रहे हैं, आने वाले समय में उनको बेहतर सुविधाएं यहाँ पर देने में हमें मदद मिलेगी। विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ यहाँ पर जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन का है, या फिर उन सभी वित्तीय समावेशन में जिन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उन लाभार्थियों को, मुद्रा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उन योजनाओं से कैसे इन सभी को आच्छादित किया जा सकता है, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ पर अभी लाभार्थी परियोजना कृषि में अन्य क्षेत्रों में कैसे इन लोगों को किया जा सकता है इसी के लिए आए थे। ये कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद हैं जिसमें 4 जनपद नेपाल सीमा से लगे हुए हैं, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। इन जनपदों में नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स हैं इसमें हम इन जनपदों को कैसे आगे बढ़ा सकें, लोगों के जीवन में कैसे हम व्यापक परिवर्तन ला सकें, इस दृष्टि से इन 3 जनपदों का मैंने निरीक्षण किया है। 1 वर्ष पहले जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है लेकिन इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है। इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, इसकी हर महीने हम लोग मॉनिटरिंग स्वयं भी करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, भारत सरकार की इस बारे में स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती और भारत सरकार की नीति देश के हित में है, व्यापक हित में है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह अड़िग है। एक कांग्रेस क्या कर रही है एक कांग्रेस का विषय है और देश को कांग्रेस के चेहरे को भी देखना चाहिए।